हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। हम शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 8.4, जो कि 3 सम सम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम फोर्थ सम जो है हमारा, वहां से इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो फोर्थ सम से शुरू करते हैं। तो फोर्थ सम जो आप देख रहे हैं वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि आपको ये जो ऑप्शन हैं उनमें से कोई ऑप्शन चूज करना है और उसको हमें जस्टिफाई भी करना है, यानी कि उसको पूरे को सॉल्व भी करना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आप देख रहे हैं वो है 9 sec² a - 9 tan² a। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके ऑप्शन है 1, 9, 8 और 0। तो देखेंगे इसको, तो 9 sec² a - 9 tan² a ये दिया गया। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो दोनों जगह पर 9 जो है वो दिया गया है। तो अगर इस 9 को हम कॉमन ले लें, तो 9 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो बचेगा हमारे पास sec² a - 10² a। ठीक है, अब sec² a - 10² a जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है वैल्यू? 1। ये मैं आपको फॉर्मूला जो पहले लिखवा चुका हूँ उसमें दिया गया है, sec² a यानी कि sec² a - 10² a जो है उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसकी जगह पर, ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसकी जगह पर मैं अगर 1 लिख दूंगा तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 9 × 1, क्योंकि 9 का तो 9 आ गया जो कॉमन लिया था हमने, और sec² a - 10² a की वैल्यू होती है 1। तो इसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया। यहाँ पर जो बताया गया है ये वही बताया गया है कि sec² a - 10² a की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हमने यहाँ पुट किया, तो 9 × 1 = 9 ही होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा आंसर जो आया है 9, तो अल्टरनेटिव बी यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। जो सेकेंड सम है हमारा, उसमें भी इसी तरह का सम है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन में हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सम जो है हमारा वो है 1 + tan θ + sec θ, 1 + cot θ - cosec θ। तो ये है हमारा सम। तो इस सम को भी हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे किया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास है 1 + tan θ + sec θ। तो कोई भी सम इस तरह का रहता है, तो अगर tan, sec, cosec या कुछ भी दिया गया है, सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो उन सबको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे साइन और कॉस के अंदर। ये एक इजी वे है जिसके द्वारा आप कोई भी सम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ दी गई है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। अब वो कैसे चेंज करेंगे, वो जो फार्मूला जो मैंने आपको दिए हैं उसके हिसाब से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 + tan θ जो होता है, tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको फार्मूला मैं पहले दे चुका हूँ। क्या है फार्मूला? ये है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पर tan थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर दिया ये फॉर्मूला के हिसाब से। आगे हमारा sec थीटा, तो sec थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1 / cos θ। तो sec की जगह पे 1 / cos हो गया, यानी कि यहाँ भी साइन कॉस आ गया और यहाँ भी sec को भी हमने कॉस में बदल लिया। तो ये जो पूरा ब्रैकेट था इसको हमने इस रूप में चेंज कर दिया। दूसरा जो है हमारा 1 + cot θ - cosec θ। यहाँ पर आप देखिए cot थीटा जो है, cot थीटा होता है cos अपॉन साइन। क्या होता है? cos अपॉन साइन। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे cos अपॉन साइन। ठीक है, cot की जगह पे हमने लिखा cos अपॉन साइन। और इसके बाद है हमारा cosec थीटा। cosec थीटा जो है उसको हम लिखेंगे 1 / sin θ, इसकी वैल्यू है। यानी कि हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको ये सारे फार्मूलाज अच्छे से आने चाहिए। तो cot थीटा की वैल्यू होती है cos अपॉन साइन और cosec की वैल्यू होती है 1 / sin θ। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस पूरे को भी हमने इस रूप में चेंज कर दिया। तो यानी कि ये दोनों चेंज होकर आ गए हैं सब साइन और cos में। अब हमारा सम जो है बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है नीचे, तो हम नीचे 1 लगा सकते हैं। यस, तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी हमने नीचे 1 लगा लिया। अब इसका पूरे का जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आएगा cos थीटा, जो कि हमने नीचे लिख दिया कॉमनली सबके साथ cos थीटा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 × cos θ = cos θ। तो cos थीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos थीटा ही। वैसे ही यहाँ पर cos थीटा है ऑलरेडी और यहाँ भी cos थीटा है, तो cos थीटा कैंसिल होगा तो आएगा 1। तो 1 × sin θ, sin थीटा ही रहेगा। यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमें 1, तो 1 × 1 = 1 ही रहेगा। ये मैंने एलसीएम लेके किया। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे। सपोज हमारे पास एक सम दिया गया है जो है 2/3
सम जो है वो है हमारे पास सपोज 2/3 प्लस 3/5, ठीक है। अब ये सम है हमारा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 15। तो 15 जो एलसीएम आएगा उसको हम कॉमनली लिख देंगे। अब 3 3 × 5 15 होता है, तो 2 × 5 करेंगे। 3 के टेबल में 15 कब आता है, जब 3 × 5 करते हैं, वैसे ही 2 × 5 भी करना पड़ेगा। तो 2 × 5 यानी कि ऊपर हो जाएगा हमारा 10। क्या हो जाएगा, 10। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10। और इधर क्या होगा, 5 × 3 15 होता है, तो 3 × 3 9। तो इस तरफ हो जाएगा 3 × 3, यानी कि जितने से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब आप एलसीएम लेते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। तो एलसीएम लिया 15, अब 3 5 15 होता है, इसलिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 होगा, तो वैसे ही 2 × 5 होगा। वैसे ही 5 × 3 15 होता है, तो 3 × 3 9। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 5 10 और 3 3 9, और नीचे जो है वो 15 आएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे आप, 10 प्लस 9 19/15, तो ये आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, तो यहाँ पर भी आप सोचिएगा नहीं कि क्या किया गया है, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं किया गया है, एवरीथिंग इज डन इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जब हमने एलसीएम लिया इसका पूरे का, तो हमें एलसीएम तो कॉस ही मिलेगा, सब जगह कॉस ही है, तो उसके बाद जब आप एलसीएम को अप्लाई करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। वैसे ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर साइन है तो साइन ही एलसीएम रहेगा इसका। अब यहाँ पर वन है, तो वन का साइन बनाने के लिए हम इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी साइन से करेंगे, तो साइन इंटू वन साइन रहेगा, लेकिन यहाँ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन, तो कॉस इंटू वन कॉस ही होता है। वैसे यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हुआ, वन बचा, तो वन इंटू वन वन ही होता है। तो ये इक्वेशन आपकी एलसीएम के द्वारा आ जाएगी, जो ये वाली इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, ठीक है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने मिल रही है कि ये दोनों जो है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी वही है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अगर हम प्लस वन जो है इनको हम अलग कर दें, यानी कि इन दोनों को कॉमन ले लें हम लोग, तो कॉस थीटा साइन थीटा, भले आप उसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, साइन और कॉस आप लिख सकते हैं इसको। तो समझिए हमने यहाँ पर साइन और कॉस लिख दिया। अब यहाँ पर साइन और कॉस कितने हैं, दो हैं, तो स्क्वेयर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको, अगर हम ये पूरा इक्वेशन जो है इसको हम मानते हैं, देखिए दोनों एकदम सिमिलर है, ऊपर वालों की बात करें तो ये जो आपका है, समझो इसमें आप कॉस और साइन को, मैं एक बार आपको यहां पर लिख के बताता हूं, ये आप ये जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अगर यहां पर आप मानते हैं कि कॉस और साइन, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है ये है ए, क्या है ये ए, या फिर एक्स मान लीजिए, और दूसरी तरफ है वन, क्या है वन। अगर हम इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका ए प्लस बी, और दूसरी तरफ क्या होगा ए माइनस बी। यहाँ पर क्या होगा आपका ए प्लस बी, प्लस वन है ना, तो वन को हमने बी माना है, तो ये हो गया पूरा, कॉस प्लस साइन है हमारा ए, तो ये पूरा होगा ए, वन जो है वो है बी, तो ए प्लस बी, और इधर होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर मतलब कॉस प्लस साइन का, कॉस प्लस साइन को हमने ए माना है, तो इसके साथ स्क्वायर लगा देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी किसको माना हमने, वन को माना है, तो माइनस बी स्क्वायर के वन। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, नीचे जो है कॉस और साइन वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि साइन इंटू कॉस साइन कॉस हो गया, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर कर यहाँ पहुँच गए हम लोग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को देखें, अगर हम इस ओनली दिस मच फिगर को देखें, इतने को ही देखें, तो ये क्या बनता है कि ए है सपोज और ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो ए प्लस बी का स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वेयर यहाँ पर हमने लिया साइन स्क्वेयर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस टू, टू मतलब ये टू लगा दिया हमने, ए बी, ए है साइन और बी है कॉस, तो साइन इंटू कॉस। और जो माइनस वन का स्क्वायर था वो हमने साथ में माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो हमने वो साथ में वैसे ही लगा दिया, ठीक है। अब नीचे जो है वो सेम टू सेम हमारा लगा रहेगा,
तो यहाँ पर आप देखेंगे आप साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन। ये कैसे किया मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला पुट किया था ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हुआ, लेकिन यहाँ पर हमने ए प्लस बी का स्क्वेयर किया, तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ आप देखोगे कि साइन प्लस कॉस जो है उसकी वैल्यू होती है वन। साइन प्लस कॉस क्या होता है, वन होता है। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इजिकल टू वन, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया वन से, बचा हमारे पास टू साइन कॉस माइनस थीटा माइनस वन अपॉन दिस वन, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ आप देखेंगे ये प्लस वन है ये माइनस वन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास ऊपर, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। वो ऊपर क्या है देख रहे हैं आप, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास टू। तो ये टू जो है ये हमारा आंसर रहेगा सेकेंड सम को, सेकेंड का ऑप्शन जो है हमारा वो रहेगा टू। तो थर्ड सम जो है वो भी इसी प्रकार का है, देखिए सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, ठीक है। अब ये है हमारा सम। अब यहाँ पर मैंने फिर से आपको बोला कि जहाँ पर साइन कॉस हैं वो तो ठीक है, लेकिन अदर सम्स के अंदर आपको सबसे पहले उनको साइन और कॉस में ले लेना है। तो वैसे ही सेक ए को हम चेंज करेंगे, सेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए, तो ये आ गया वन अपॉन कॉस ए, किसकी जगह, इसकी जगह पर। दूसरा हमारा टेन ए, टेन ए होता है साइन अपॉन कॉस, तो टेन ए, ए है साथ में इसलिए टेन थीटा नहीं आएगा, थीटा की जगह ए दिया, तो साइन अपॉन कॉस सेम टू साइन ए अपॉन कॉस ए, वन प्लस वन माइनस साइन, ये सेम टू सेम रहेगा क्योंकि ये तो साइन में ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका एलसीएम लिया जाएगा, क्या करेंगे हम इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे यानी कि कॉस ए दोनों का सेम है, तो कॉस ही रहे, कॉस ए का एलसीएम दोनों जगह कॉस है, तो कॉस ए ही इसका एलसीएम आएगा। अब जब एलसीएम दोनों में सेम है तो आप कैसे करेंगे, ये कॉस है कट जाएगा तो बचेगा वन, तो वन इंटू वन वन ही रहेगा, वैसे ही यहाँ कॉस है कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वन, वन इंटू साइन मतलब साइन ही रहेगा। तो ये इस तरीके से एलसीएम के द्वारा बन जाएगा। आगे जो है ये आपका सेम टू सेम है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। अब ये इक्वेशन जो है इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये है इसके नीचे अगर हम देखें वन लगा दें सपोज, तो ये क्या है हमारा साइन वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, यानी कि ये हमारा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, यानी कि वन स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, तो ये वन का स्क्वायर वन ही होता है। अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दें, यानी कि अगर हम लिखते हैं वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो भी चलेगा, फिर एक स्टेप बढ़ा के हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्ट वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। नीचे हमारा कॉस ए है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए ही रहेगा, तो कॉस ए आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब नीचे जो है वो कॉस ए वैसे का वैसे ही है, ऊपर कॉस स्क्वायर है नीचे कॉस सिंगल है, तो एक कॉस ए कॉस कट जाएगा, बचेगा कॉस ए, सिर्फ एक ए कॉस ए बच जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड सम। नेक्स्ट सम जो है इसी का फोर्थ पार्ट जो है वो है वन प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि टेन कॉट कॉस कुछ भी हो उसको पहले साइन कॉस में बदल लेना है, तो यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वेयर ए है, तो टेन स्क्वेयर जो होता है टेन स्क्वेयर ए वो होता है साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, तो हमने इसको लिख दिया वन प्लस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, ये हमने टेन को चेंज किया। नीचे जो है कॉट है, कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है यानी कि कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉस स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर ए, ये आ गया पूरा। अब यहाँ पर ये वन दिया गया है, तो अगर आप इसको नीचे इसके वन लगा दोगे तो आप इसका फिर एलसीएम ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसके नीचे भी सपोज हमने वन लगा दिया तो ये वन अपॉन वन हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया। अब वन से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर है वो वैसे ही रहेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा वन आएगा, तो वन इंटू साइन साइन स्क्वायर ही रहेगा, तो ये ऊपर एलसीएम लेने के बाद ऐसा हो जाएगा। नीचे जो है यहाँ भी हम सपोज इसके नीचे वन लगा लेते हैं तो एलसीएम साइन स्क्वायर ए रहेगा, तो अब साइन स्क्वायर एलसीएम रहेगा, तो वैसे ही जैसे ऊपर किया हमने एलसीएम लेके वैसे ही यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। अब यहाँ आप देखोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होता है उसकी वैल्यू होती है वन, और नीचे है कॉस स्क्वायर ए वो हम ऐसे ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है वन वो आ जाएगी, और नीचे साइन ए वैसे ही रहेगा। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये देखिए
ये अपॉन में है ना, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वन प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है, और यहाँ वन अपॉन साइन स्क्वेयर है, तो ये इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए ये मल्टीप्लाई हो जाता है और साइन ऊपर चला जाएगा और वन जो है साइन स्क्वेयर ए ऊपर चला गया और वन जो है वो नीचे आ गया। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, यानी कि जैसे कि फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन से डिवाइड हो, तो ऐसे उसको किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे वन वन कैंसिल हो गया, तो ये हमारा साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, ये रहा साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, और साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो ये हो गया हमारा टेन स्क्वेयर ए। तो ये जो है हमारा आंसर हमारे सामने आ गया है। जो हमारा नेक्स्ट सम है वो है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटीज है इनको प्रूव करना है, यानी कि जो ये रहता है हमारा, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लिखते हैं एल एच एस, क्या लिखते हैं एल एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है राइट हैंड साइड, क्योंकि आपका हाथ देखिए ना, आप जैसे बैठे हैं, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड। तो हम क्या लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये हमने ले लिया, स्क्वेयर है साथ में तो स्क्वेयर लगेगा इसमें, ठीक है। तो जैसे मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोल रहा हूँ कि कोई भी सम सॉल्व करना हो तो उसको हम चेंज किस में करेंगे, साइन और कॉस में सबसे पहले, ताकि वो ईजी हो सके। लेकिन यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये इसके बराबर है, तो इस तरफ क्या है, दोनों तरफ कॉस है, आप देखिए, तो हमें इसको ऐसे घुमा कर ले जाना है कि इस तरफ कॉस और कॉस हो जाए, यानी कि ऊपर हो जाए वन माइनस कॉस, नीचे भी हो जाए कॉस, तो कॉस करना है किसी हिसाब से। तो जैसे सॉल्व करने के लिए पहले हम साइन में ले लेते हैं, साइन से तो कॉस हो ही जाएगा, तो कॉसेक थीटा होता है वो होता है वन अपॉन साइन थीटा। अब देखिए हर एक कदम पे फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, फार्मूला एक भी गलत हुआ तो खेल खत्म। तो कॉसेक थीटा होता है वो होता है वन अपॉन साइन थीटा, वैसे ही कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब हमने ऐसा किया तो ये स्क्वेयर पूरे के ऊपर है, तो पूरे के ऊपर स्क्वेयर दिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या करेंगे आगे, अब वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब आप जब इसका एलसीएम लोगे तो आप देखोगे कि साइन साइन दोनों जगह सेम है, तो साइन इसका एलसीएम हो गया, ठीक है, और ऊपर जो है वन माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वेयर है, तो वो सेम टू सेम ही रहेगा, कोई फर्क आने वाला नहीं है कि एलसीएम इज सेम, एलसीएम दोनों का सिमिलर है। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी वन माइनस कॉस थीटा स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर, साइन थीटा का स्क्वेयर, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वन माइनस कॉस थीटा, तो वन माइनस कॉस थीटा तो मिल गया, लेकिन यहाँ साइन थीटा स्क्वेयर है, तो उसको हमें बदलना है। तो ये कैसे बदलेगा, इसको हम देखते हैं। पहले तो हमने सेम टू सेम यहाँ लिख दिया, साइन थीटा का स्क्वेयर था, उसको हमने कर दिया साइन स्क्वेयर थीटा, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पर हमारा वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, मैंने जो लिखा हुआ है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर देखिए, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा वन होता है, ये मैंने आपको लिखवाया है फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू अगर चाहिए, तो साइन को हम यहाँ छोड़ देंगे, तो ये कॉस थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन की वैल्यू में मिल जाएगी वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो हमने यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा तो ले लिया, अब वैसे ही नीचे जो है वन साइन स्क्वेयर थीटा, तो साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू होती है वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये जो मैंने यहाँ पर निकाल के बताई आपको। तो यहाँ पर साइन थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, यानी कि वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा से, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ ऊपर पूरे का स्क्वेयर है, यहाँ पर एक का स्क्वेयर, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अब यहाँ पर अगर हम स्क्वेयर डालते हैं, नहीं भी डालते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट हम देख सकते हैं यहाँ पर कि स्क्वेयर अगर लगा देते हैं तो इट डजेंट मेक मच सेंस, क्योंकि वन इंटू वन वन ही होता है, तो कोई वैल्यू में बदलाव नहीं आएगा। तो ऊपर तो हमें ठीक है वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वेयर मिल गया है, पूरा होल स्क्वेयर, नीचे जो है वो है वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमने लिख दिया, देखिए वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। ऊपर है आपका वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वेयर, अब यहाँ पर नीचे से एक वन माइनस कॉस थीटा और ऊपर का एक काट देंगे, तो ऊपर एक बच जाएगा, यानी कि वन माइनस कॉस थीटा जो हमें चाहिए ऑलरेडी, नीचे हमने ये कट कर दिया तो बचेगा वन प्लस कॉस थीटा, वो हमारे पास ये आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर में है। चलिए चलते हैं अब अगले सम की तरफ, वो भी हमारा इसी का सेकंड पार्ट है और प्रूव दैट ही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टू सेक ए। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे पूरे का, तो एलसीएम लेंगे तो वन प्लस साइन ए और कॉस ए पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं वन प्लस साइन ए कॉस ए इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम आने के बाद ये जो है वन प्लस साइन ए इसके नीचे भी है, तो इसके नीचे क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कॉस ए का स्क्वेयर हो जाएगा। कॉस ए पहले से यहाँ पर, ये कॉस ए और मल्टीप्लाई, एलसीएम ही ले रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। रिमेंबर, याद रखिए कि डोंट गेट कन्फ्यूज, अगर आपको एलसीएम लेने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ किस प्रकार से लेना है पिछले सम्स के अंदर भी, लेकिन यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले रहा हूँ। अगर एलसीएम में नंबर्स ना हो तो आप एलसीएम फिर भी, आपको तरीका वही है लेने का, लेकिन ध्यान से लेना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो इन दोनों को जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा वन प्लस, एलसीएम क्या आएगा आपके यहाँ पर, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका आएगा एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये आपका एलसीएम रहेगा। अब इस एलसीएम में क्या होगा, अगर हम पहला ये उठाते हैं तो यहाँ पर नीचे वन प्लस साइन ए तो है ही, तो वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए है तो ये कट जाएगा, बचेगा कॉस ए, तो कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस ए पहले से और ये कॉस ए और आ गया, तो कॉस ए स्क्वेयर हो गया, ये आ गया। नीचे जो दूसरा लेंगे हम, दूसरे में कॉस ए कट जाएगा, अब क्या नहीं है यहाँ पर, वन प्लस साइन ए नहीं है, तो वन प्लस साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वेयर में आ जाएगा, तो ये आपका स्क्वेयर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कॉस स्क्वेयर ए प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब आप कॉस स्क्वेयर ए तो आपने लिख दिया, वन प्लस साइन ए का स्क्वेयर जो है यानी कि ए प्लस बी का स्क्वेयर है ये, तो ए प्लस बी का स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। ए स्क्वेयर मतलब वन का स्क्वेयर वन ही रहेगा, बी स्क्वेयर मतलब साइन स्क्वेयर, टू ए बी यानी कि टू इंटू साइन ए, ए क्या है यहाँ पे वन है, तो अगर हम यहाँ पे वन लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली साइन ए लिखा गया है, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। ठीक है, नीचे हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूला जो है वो कैसे बनेगा आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या किया, वो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ऑब्वियसली होना लाजमी भी है कि क्या करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हमने साइन जो है, साइन को इस तरफ ले लिया, तो ये हो गया साइन ए, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, यानी कि ये जो है देखिए, अब मैं टिक कर दे रहा हूँ, एक ये और एक ये हमने यहाँ लिख दिया, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, बचा वन, ये वन आ गया, बचा प्लस में टू साइन ए प्लस टू साइन ए, ये यहाँ पर आ गया, यानी कि सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज किया और कुछ नहीं किया ताकि वैल्यू मिल सके। अब साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए की वैल्यू होती है वन, वो हमने यहाँ पर लिख दिए वन, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू वन प्लस वन प्लस टू साइन ए, ये जो बचा हुआ था वो साथ में हमने लिख दिया, अपॉन में सिमिलर वही सारा कुछ जो भी ऊपर दिया गया था वही नीचे लगा दिया। अब यहाँ पर हो गया वन प्लस वन टू हो गया, तो टू प्लस टू साइन ए, और नीचे सेम टू सेम रह गया, अब टू प्लस टू साइन ए। अब यहाँ पर क्या किया, साइन ए जो है उसके साथ इन्होंने, तो हमें पहुंचना कहाँ पर है, सबसे पहले सेक ए पे पहुंचना है, तो सेक ए पे पहुंचने के लिए हम किसी भी तरीके से घूम फिर के वहां लेके जाना है, तो यहाँ पर हमने 2 प्लस टू साइन ए। अब आप देखिए यहाँ पर 2 जो है वो प्लस में है और ये जो 2 है ये साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम दोनों जगहों से 2 कॉमन ले लें तो ये 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ये 2 की जगह जो ये वाला 2 है इसकी जगह खाली होगी, तो उसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, और ये जो 2 साइन ए था इसके हाथ से 2 अगर बाहर निकल गया तो बचेगा साइन ए, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 प्लस साइन ए, 2 कॉमन आ गया, यानी कि अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वापस यही मिल जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू साइन ए साइन 2 साइन ए, यानी कि 2 प्लस 2 साइन ए, वही चीज़ आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ लिखने के तरीके को थोड़ा बदल कर हम अपनी वैल्यूज़ को ढूंढ सकते हैं, जो भी हमसे पूछा गया वहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको कैसे इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर आपने जब 2 को कॉमन लिया तो यहाँ से 2 को कॉमन लेने के बाद इस 2 को हमने रिप्लेस किया 1 से, और दूसरा जो 2 है उसको हमने बाहर ले लिया, तो बचेगा साइन ए। अब इसको फिर से सॉल्व करके अगर देखोगे तो सेम ही मिलेगा, 2 1 जा 2, तो ये 2 आ गया आपका, फिर 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए और 2 साइन ए आ गया, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, तो ये आ गया आपका। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए और नीचे भी है 1 प्लस साइन ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा ऊपर 2, नीचे बचेगा कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, तो जो
वन अपॉन कॉस होता है सेक, तो वन अपॉन कॉस होता है सेक, तो यहाँ पर टू है तो टू सेक ए हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमको प्रूव करना है। तो काफ़ी घुमा फिरा के हम अंत में अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं। थर्ड सम लेते हैं इसी का, क्वेश्चन पूछा गया है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि यहाँ पर लिख दी गई है ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, वो है टेन थीटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा को मैंने जैसे कहा है कि हमें चाहिए क्या चीज़, सबसे पहले वो देख लेते हैं, हमें सेक और कोसेक की तरफ जाना है, सेक और कोसेक की तरफ। तो हम टेन को जब रिप्लेस करेंगे साइन और कॉस में, तो टेन होता है साइन साइन अपन कॉस, टेन की जगह साइन अपन कॉस आ गया। नीचे जो है हमारा वन माइनस कॉट है, तो कॉट जो होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन। तो आप देखिए जो मैं सर्कल करता जा रहा हूँ, ये हमने रिप्लेस किया किसको, टेन को, तो टेन की जगह पे ये लिख दिया। नीचे वन माइनस कॉट, तो कॉट को रिप्लेस किया हमने कॉस अपॉन साइन से, तो कॉस अपॉन साइन जो है वो कॉट की जगह पर आ गया। वैसे प्लस में कॉट जो होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉट की जगह पर फिर से हमने कॉस अपॉन साइन लिख दिया। ऊपर नीचे है वन माइनस टेन, टेन की जगह पर हमने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, तो वन माइनस टेन है तो वन माइनस साइन अपॉन कॉस। अब हर जगह पर आपको साइन कॉस कर देना, हो गया। अभी आप क्या करेंगे देखिए, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये भी, बट डोंट गेट कन्फ्यूज, वी विल सॉल्व इट इक्वल टू। अब हम अगला स्टेप ले रहे हैं, अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, काफ़ी ये साइन अपॉन कॉस ही सेम टू सेम हमने यहाँ लिख दिया, कॉस अपॉन साइन जो है वो भी सिमिलरली हमने सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। नीचे जो है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो इसके नीचे हम वन लगा लेंगे, वैसे यहाँ पर भी हम वन लगा लेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे वन अपॉन वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा, ये रहा साइन थीटा आपका एलसीएम। अब यहाँ पर वन है तो वन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ऊपर भी वन को साइन से मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके किया है, वन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एलसीएम ही ले रहा हूँ मैं, थोड़ा आप अगर अपने हिसाब से पेपर पे करेंगे आप ध्यान से थोड़ा दूर दूर लिख के, तो आप क्लियरली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी नीचे वन लिया तो एलसीएम कॉस थीटा ही रहेगा, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ नीचे वन है तो वन इंटू कॉस करेंगे तो वैसे ऊपर भी इंटू कॉस करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने मिल गई, कैसे मिली, एलसीएम लेकर। पहले हमने नीचे वाले को सॉल्व कर लिया एलसीएम लेकर, ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं हम ऊपर दोबारा से, अब ऊपर जो है हमारा वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जो ऊपर का है उसको हम कैसे करेंगे, वहाँ भी साइन थीटा इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे उसका। तो यहाँ पर अब इस वाले को अगर आप देखते हैं, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले की, ऊपर का पार्ट जो है ये वाला, ठीक है, ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो कॉस इंटू साइन, यानी कि साइन कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आएगा। यहाँ पर कॉस थीटा है पहले से, कॉस कैंसिल हो जाए तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन स्क्वेयर थीटा। वैसे यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल होगा तो कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, ये रहा कॉस स्क्वेयर थीटा। और नीचे हमने ऑलरेडी हमने क्या लिया था पिछले स्टेप के अंदर, हमने लिया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, यहाँ था हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये कॉस थीटा जो है, ये यहाँ पर फिर से हम नीचे एक एलसीएम लेंगे इसके अंदर, तो एलसीएम लिया तो फिर साइन इंटू कॉस किया हमने, तो साइन कॉस एलसीएम आया, तो साइन साइन कैंसिल होते कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वैसे यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो बचा साइन, तो साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब इक्वेशन जो बन गई आपकी वो कुछ इस प्रकार से होगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इस तरीके से आ गया हमारा।
ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम ताकि हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो हम क्या करने वाले हैं अभी, यहाँ हमारा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हमारा कॉस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आप दोनों जगह पर देख रहे हैं, ये हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, दोनों को कॉमन ले लिया। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि ये जो स्टेप हमने किया, यहाँ पर देखिए ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे तो हमने दोनों को सिमिलर लिख दिया। अब यहाँ जो देख रहे हैं स्टेप के अंदर, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन जो पिछले स्टेप के अंदर क्या था, वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था और यहाँ था हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि जो कॉस थीटा है वो माइनस में है और यहाँ पर साइन थीटा माइनस में है, लेकिन इस स्टेप के अंदर हमने दोनों को सेम कर दिया। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है माइनस का साइन लगा देंगे, जिससे यानी कि ये जो नीचे वाला है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, ये जो साइन है ये यानी कि इनके साइन बदल जाते हैं, यानी कि इनके जो सिंबल्स होते हैं बदल जाते हैं। जैसे कॉस है वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, साइन जो है वो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो जब साइन प्लस का हो जाएगा तो हम इसको इधर ले लेंगे और कॉस जो माइनस का हो जाएगा उसको उधर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेप जो हमने है किया, इसमें ये चेंज आएंगे, कैसे आएंगे कि जो साइन है जब हम यहाँ पर बीच में माइनस लगा देंगे, यानी कि प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो जब यहाँ पर लगा देंगे माइनस तो ये प्लस माइनस जो है प्लस हो जाएगा और ये माइनस जो है ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, यानी माइनस वाले को फिर उधर ले लेंगे और साइन जो है प्लस का होगा उसको हम इधर ले लेंगे, जो कि हमने इस स्टेप में किया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो हमने क्या किया, अभी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों जगह पर हैं तो हमने 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, जो कि आप इस स्टेप में देख रहे हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया। अब बचेगा क्या हमारे पास, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा है। जैसे कि मैंने बताया कि जब यहाँ पर माइनस लगेगा तो ये माइनस जो है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। जो कि अभी आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये माइनस कैसे आ गया, तो यहाँ पर ये जो साइन है माइनस का कैसे आएगा, जब यहाँ पर हमने इसको माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया इस पूरे इक्वेशन को, तो ये जो प्लस है ये माइनस से मल्टीप्लाई होने पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ माइनस रहेगा। अब जो बची हुई चीज़ें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस थीटा है तो ये लगा दिया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा है तो हमने यहाँ भी लगा दिया, साइन चेंज हो गया माइनस में, और ये पूरा जो हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया वो यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है। अब ये जो कॉमन है हमारा वो हमने सेम टू सेम यहाँ लिख दिया दोबारा से एक बार, और अगला स्टेप शुरू किया हमने, साइन थीटा माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कौन से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा है। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा में से आप यहाँ देखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा में से कॉस थीटा कैंसिल हो तो साइन बचा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, पहले से दो साइन है ऊपर स्क्वेयर है, एक साइन और जुड़ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर साइन साइन कैंसिल होगा तो बचेगा कॉस, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वेयर पहले से एक कॉस और जुड़ गया तो हो गया कॉस क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब हो गया, नीचे एलसीएम में कॉस थीटा साइन थीटा लिया है, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर और अप्लाई करना है, कौन सा, ये बन गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब यहाँ पर हम इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कॉस, फिर ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ए बी, ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये पूरा आ गया। अब आप इसको पूरे को देखेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट गए, ओके। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दीजिए मुझे ज़रा फटाफट से, वो होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया 1 से, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1, ठीक है, और ये सेम टू सेम है। अब आप इस पूरे को यहाँ पर दोबारा लिखिए, ये 1 है, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है बीच में, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रहा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 1 जा 1 हुआ तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये रहा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे हमारा है साइन थीटा कॉस थीटा, वो हमने सेम टू सेम लिख दिया,
ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक्चुअल में हम लोग क्या करें यहाँ पर, हमें पहुँचना कहाँ पर है, हमें पहुँचना है इस जगह पर सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 पे, ठीक है। अब हमें उस तरीके से दिमाग चलाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा इस पूरे के नीचे है, तो बीच में प्लस का साइन है, तो हमने पहले लिखा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अलग कर दिया हमने 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को। फिर जो बचा है हमारे पास वो है साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगा दिया। साइन थीटा कॉस थीटा दूसरा है वो इधर लिख दीजिए, उसके नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा है वो साइन लिख दिया, यानी कि इसको हमने थोड़ा डिवाइड करके अलग अलग तरीके से लिखा, यानी कि 1 के नीचे भी ये पूरा है और इसके नीचे भी ये पूरा है, तो हमने पहले 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिखा ये वाला, फिर प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 1, क्या आ गया यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ हमारा 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पर 1 अपॉन साइन गिने और दूसरी तरफ फिर से अगर हम इंटू 1 करके लिखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 इंटू 1 1 ही हुआ, तो हम इसको लेंगे 1 अपॉन साइन और इसको लेंगे 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस की जगह हमने लिख दिया सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, तो इन दोनों की जगह पर आ गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्लस में 1 तो है ही हमारे पास पहले से, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ये सम पेचीदा है, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ सम्स। सो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो फोर्थ सम है उसमें क्या पूछा गया है वो देखते हैं पहले। उसमें पूछा गया है कि 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए 1 माइनस कॉस स्क्वेयर, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ले लिया। अब हम देखेंगे सेक ए की जगह पे हमने लिखा 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, यानी कि सेक ए को हमने रिप्लेस किया कॉस ए से, ये देखिए 1 प्लस कॉस ए से हमने रिप्लेस किया 1 अपॉन कॉस ए। अब सेक ए जो है वो भी होता है 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ भी हमने इसको रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन कॉस से, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर जो आप देख रहे हो वहाँ हम लेंगे एलसीएम, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, तो ये हो गया आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इतना ये ऊपर वाले का सोल्यूशन है, कॉस ए प्लस 1 एलसीएम लेने पे हुआ ये जो 1 प्लस 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए जो है उसका जब आप लोगे एलसीएम तो आपको ये मिलेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। नीचे हमारा 1 अपॉन कॉस है वो सेम टू सेम लिखा हुआ है, उसको हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी कि एक तरफ है हमारा कॉस ए प्लस 1 ऊपर है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये क्या है ये हमारा ये वाला मैंने लिखा है ये वाला, ठीक है। अब दूसरा इसके नीचे क्या है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपना ऑर्डर चेंज कर लेगा, वो हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा क्या कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, तो 1 से उसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 ही आएगा, तो हमने इसको डायरेक्ट कॉस ए प्लस 1 ही लिखा रहने दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कोस ए प्लस 1, अब हमने क्या किया, हमारे पास बचा सिर्फ कोस ए प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1 को हमने लिखा 1 प्लस ए 1। अब हमने जो यहाँ पर हमारा कोस ए प्लस 1 है इसके नीचे 1 भी आया है, नहीं है तो हम लगा भी सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे इसको, कॉस ए प्लस 1 है दोनों ही ऐड प्लस में एडिशन में है, तो हम इनका ऑर्डर चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने, कॉस ए प्लस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, लिख दिया नीचे हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो ऊपर जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस ए से तो ये रहा 1 माइनस कॉस ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए से करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए ही आ गया। अब ऊपर क्या बन गया आप देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो यानी कि ए है हमारा 1 और बी है हमारा कॉस स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हमारा 1 माइनस कॉस है वो सेम टू सेम हमने लिख दिया, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमने ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर इसको रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वेयर ए से, और नीचे हमारा 1 माइनस कॉस ए सेम टू सेम रहा, तो इस तरीके से हम हमारी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, राइट हैंड साइड हमने ढूंढ ली है।
तो ये जो फिफ्थ सम है इसको सॉल्व करते हुए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हिंट दिया हुआ है इन्होंने कि आइडेंटिटी जो हमको यूज करनी है वो इन्होंने दे रखी है कॉस एक्स स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वेयर। तो ये आइडेंटिटी हमको उपयोग में लानी है इस सम के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सम को भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें सब जगह पर ये चाहिए, तो हमारा जो सॉल्यूशन जो है यानी कि हमें चाहिए क्या कॉसेक ए और कॉट ए, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये हमारा सॉल्यूशन में आना चाहिए। यानी कि ये हमें प्रूव करना है कि ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब आपको ये भी बता दूं कि हिंट हमको यूज करना है कॉसेक ए और कॉट ए, ये दोनों हिंट का यूज करना है। अब कॉसेक जो ए कॉसेक जो होता है वो होता है वन अपॉन साइन। कॉसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन। और इसके बाद दूसरा जो है वो है कॉट, ये कॉसेक का हमने बता दिया वन अपॉन साइन होता है। कॉट जो होता है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। तो यानी कि कुल मिला के हमें पूरे सम के अंदर जो पूरा जो इक्वेशन है जो हमारे पास जो दिया गया है इसको अगर हम दोनों जगह पर देखिए साइन है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी नीचे साइन है, यहाँ भी नीचे साइन है। तो अगर हम पूरे दोनों को ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड कर देंगे साइन से तो हम इसके काफ़ी नज़दीक पहुँच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले समय में बताया कि जैसे जैसे हमको जो चीज़ प्रूव करनी है हमें वहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्टली देखें तो ये आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए बोला है इन्होंने। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिख रही हैं कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक और कॉट तक पहुँचने के लिए अगर हम साइन ले लें दोनों जगह पर डिवीजन में नीचे तो हम आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलिए देखें क्या कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे साइन ए से ऊपर नीचे। तो यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आप कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। तो आप देखिए यहाँ साइन ए, यहाँ साइन ए, यहाँ साइन ए, सब जगहों पर हमने साइन ए से उसको डिवाइड कर दिया। वैसे हम नीचे वाला जो है ये जो नीचे वाली टर्म है इसको भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे हर जगह पर। किसको हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि इसको तो हमने कर दिया डिवाइड, इसको भी करेंगे। तो ये इक्वेशन जो है आपकी इस तरीके से कुछ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कि मैंने हर जगह पर साइन ए साइन ए साइन ए सब जगहों पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवीजन के बाद आप देखेंगे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉस अपॉन साइन की जगह पर कॉट आ गया, ये आ गया कॉट। माइनस साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा तो वन आ जाएगा, तो ये माइनस वन आ गया। वन अपॉन साइन जो होता है वो कॉसेक होता है, ये कॉसेक आ गया। वैसे ही कॉस अपॉन साइन कॉट ये रहा, साइन अपॉन साइन कट गया तो वन आ गया, ये प्लस है इसलिए प्लस वन आ गया यहाँ पे। और वन अपॉन साइन होता है कॉसेक तो माइनस कॉसेक हो गया। तो यानी कि यहाँ तक का जो स्टेप है ये हमारा हमने इस तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, तो यानी कि हम कहाँ पहुँच गए, हम यहाँ तक हमने अपना सम जो है वो कंप्लीट कर दिया है, ओनली दिस मच। इसके आगे का जो पार्ट है अब यहाँ पर जो ये इन्होंने दिया हुआ है वी विल नॉट फॉलो दिस थिंग, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक और आसान मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पहुँच चुके हैं हम, हमारा सम बन चुका है कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें पहुँचना कहाँ है, हमें पहुँचना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए पे। ठीक है, वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे पास ऊपर कॉसेक ए आ गया है, कॉट ए आ गया है, नीचे भी कॉसेक ए और कॉट ए आ चुका है, दोनों जगह पर ये आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हम एक वैल्यू पुट करेंगे किसकी, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं। आप अगर ये देखिए ये हमारा प्रूविंग पॉइंट है, हमारी डेस्टिनेशन ये है कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, यानी कि समझिए अपॉन में वन है। तो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं हम ऊपर तो हम ठीक है कॉट ए आ गया हमारा, कॉसेक ए भी आ गया, चलो माइनस वन को हम किस तरीके से ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो नीचे है इसको तो पूरे को ही ख़त्म करना पड़ेगा हमें। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर आइडेंटिटी जो दी गई है हमारे सामने, आइडेंटिटी कहाँ है हमारी, ये। अब इस आइडेंटिटी को अगर आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इस वन को यहीं छोड़ दें और ये जो कॉसेक ए जो है इसमें से वन को यहाँ छोड़ दें और कॉट स्क्वेयर को इधर ले जाएँ तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वेयर ए माइनस कॉसेक स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू वन। ठीक है,
ये कॉर्ड जो है उधर चला गया, वन यही रहा। तो यानी कि इसकी वैल्यू वन है और वन की वैल्यू भी ये है। तो हम यहाँ पर जो हमने कहाँ तक किया था, ये था हमारा जो पॉइंट जहाँ तक हम कर चुके हैं पहले। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वन की जगह पर जहाँ भी वन लिखा है उसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे वैल्यू कॉसेक स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए। क्यों? क्योंकि वन की वैल्यू ये दी गई, यानी कि ये जो है वन जो है इन दोनों की वैल्यू भी, और ये दोनों जो है ये उसकी वैल्यू भी है, वन की वैल्यू है। तो हम जहाँ पर वन है उसकी जगह पर ये पुट करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे और फिर इसको वैल्यूज को पुट करेंगे। आप ये वैल्यू अपने पास नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इससे अगले स्टेप पे चल रहे हैं। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक, यानी कि ये जो प्लस है इसको हम इधर ले लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन है, माइनस वन है। तो वन की जगह पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट दे कर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हमारा ये देखिए, ये कॉट ए आ गया, फिर कॉसेक ए आ गया, ये माइनस वन है, माइनस वन इस तरफ चला जाएगा, मैंने उस तरफ कर दिया, बस हमने ऑर्डर चेंज किया और कुछ नहीं किया है। और माइनस वन की जो वैल्यू, यानी कि वन की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी, क्या निकाली थी, कॉसेक स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर, तो वो मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, अब मैं लिख दे रहा हूँ कॉसेक स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए, तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, कॉट स्क्वेयर ए, ठीक है। तो ये वन की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। और नीचे क्या था इसके, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। तो ये मैं सेम टू सेम यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि नीचे तो हमें क्या है, इसको काटना ही है, क्योंकि नीचे तो हमें वन चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब कुल मिला के आया, तो यानी कि ये तो कटने वाली है, इसलिए हम इसको पूरे का पूरा ऐसे ही ले लेते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लिख दिया कॉट ए प्लस वन इंटू सॉरी कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, कॉसेक। तो ये हमारा एक स्टेप और हम आगे बढ़ गए, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करेंगे आगे, तो हमारा जो ये वैल्यू पुट करने के बाद हम ऐसे पहुँच गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऐसा कुछ करना होगा ताकि ये जो है ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये क्या है, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर नहीं लग रहा है आपको, ये है कॉसेक स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर है। तो अगर आप इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें इसको, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो कैसे होगा, अगला स्टेप हमें मिल गया, देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप। तो सेम टू सेम डालेंगे, पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ये तो हमने सेम टू सेम लिख दिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आगे जो है माइनस में, साइन माइनस का है तो माइनस का लगेगा साइन, ब्रैकेट उसके अंदर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे। ए प्लस बी क्या है हमारा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हमारा हो गया ए प्लस बी, ठीक है, ये प्लस में लिया हमने, इसलिए ए प्लस बी कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको माइनस में भी लिखना पड़ेगा, माइनस में मतलब कॉसेक ए, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड चल रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखिएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने लिखा, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मैंने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को खोलकर यहाँ पर लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और जो ये तो पूरा सेम टू सेम है, अब नीचे का बाकी है अभी, तो नीचे वाला जो है वो मैं इसके नीचे पूरे के नीचे जो आएगा वो है कॉट ए प्लस वन कॉट ए प्लस कॉसेक ए सॉरी प्लस वन माइनस कॉसेक ए, ये है हमारा बॉटम पार्ट नीचे का, जो मुझे सेम टू सेम मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब हमारा एक स्टेप और फर्दर हम आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा राइटिंग में इशू आ रहे हैं, बिकॉज़ आई एम राइटिंग विद द माउस, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। तो हम पहुंचे यहाँ पर, अब इसका अगला जो स्टेप है वो करना हमारा बाकी है, कॉस ए प्लस कॉसेक ए माइनस में। तो अगला स्टेप जो इसका रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, अब हमने देखा यहाँ पर कि हमने सॉल्व कर लिया काफ़ी। अब यहाँ पर आप देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पर भी
कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये दोनों हमें सेम मिल रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सब ऑर्डर में चेंज है और कुछ नहीं है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे हम इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमने क्या किया कॉमन ले लिया है, और बीच में है माइनस तो यहां पर माइनस रहेगा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे वन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर वन लिखेंगे, तो ये हमने वन लिख दिया, और अंदर जो है वो है हमारा बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, वही बचेगा ना, क्योंकि ये तो दोनों ये कॉमन ले लिया हमने इन दोनों को, तो इसकी जगह पे तो हमने ये सेम टू सेम लिख दिया, कॉमन आ गया। अंदर जो है वो है हमारा कॉसेक ए कॉट ए, ये कॉमन आ चुका, तो इसकी जगह हमने वन लिख दिया, और ये जो है ये सेम टू सेम हमारे पास बच गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ये हमारे पास अंदर ब्रैकेट के मिल गया। अपॉन में आपको पता है पूरे का पूरा सेम टू सेम जाएगा, यानी कि कॉट ए माइनस सॉरी प्लस वन है, और माइनस में कॉसेक ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये पूरा का पूरा पहले उतारिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये हमने लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब यहां पर जो ये माइनस है, इस माइनस से हम अंदर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर, वन को मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक से, तो वन का तो वन ही रहेगा, माइनस कॉसेक हो गया, वन माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस है ये माइनस, तो हो जाएगा प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास है कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें थोड़ा, ये प्लस वन है तो वन पहले लिख दें, कॉसेक ए माइनस का है तो माइनस कॉसेक ए लिख सकते हैं हम लोग, माइनस कॉसेक ए, और कॉट ए प्लस का है तो प्लस कॉट ए हम लोग लिख सकते हैं, प्लस कॉट ए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर है वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, इन दोनों के कैंसिल होते हैं हमारे पास क्या बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था वो यहाँ पर मिल चुका हमें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब ऑर्डर चेंज है, ये ऑर्डर आप इधर ले सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज के जो दो पार्ट्स तीन पार्ट्स बचे हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी हैं, आप ये खुद ट्राई करेंगे, और अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 5 सम्स मैं ज़रूर दूंगा। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हे भगवान।